अब आपने बात की कि पिछले 9 साल में सबसे ज्यादा सरकारें बीजेपी की हैं। नमिका जी, मैं आपको याद दिलाता हूं आपके शोज, आप तब भी बड़ी सक्रिय पत्रकार थी, मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, रोज शाम को आप खुलकर हमला बोलती थी मनमोहन सिंह जी की सरकार पर, बोलती थी, बताइए आप हमला बोलती थी या नहीं बोलती थी शीला दीक्षित की सरकार पर? और बिल्कुल ये आपका काम था, एज अ जर्नलिस्ट आपका अधिकार था ये और कर्तव्य भी था। आज वो नविका कुमार कहां है? आज वो मीडिया कहां है? आज का विपक्ष अनाथ है, तब का विपक्ष अनाथ नहीं था, उसके साथ नविका कुमार थी, उसके साथ और अन्य बड़े नामी गिरामी पत्रकार थे आपके जैसे। आज का विपक्ष अनाथ है, हम अकेले लड़ रहे हैं, हमारे साथ लोग आ रहे हैं, धीरे धीरे जुड़ रहे हैं, जैसे जैसे लोगों की आंखें खुल रही हैं, जितनी आंखें लोगों की खुलती हैं उतना टीवी बंद होता चला जा रहा है, और जितना टीवी बंद होता चला जा रहा है मोदी जी की किस्मत भी बंद होती चली जा रही। सड़क पे आ गए आज, देख लीजिए, भले 1 किलोमीटर के लिए आए ना, ये मोदी जी का आज सड़क पर आना। नविका कुमार जी, आपकी हार है, माफ कीजिएगा मैं आपके मुंह पर कड़वा बोलता हूं जैसे आप बोलते हैं, आप ही से सीखते हैं हम कड़वा बोलना, और बोलना भी चाहिए। और ये जीत लोगों की है, ये जीत आपके उन भूतपूर्व दर्शकों की है जो सोचते थे कि नविका जी कहां चली गई, 2014 से पहले वाली नविका जी को जो हम सब ढूंढते थे, आज वो नविका जी शायद अब मिल जाएंगी सबको। शिक्षा, चिकित्सा, कोई टीवी चैनल दिखाने को तैयार नहीं, कोई अखबार लिखने को तैयार नहीं, केवल क्या लिख रहे, हिंदू मुस्लिम, जाति पाति तोते के तरह। ये राजनीति हम होने नहीं देंगे। ये भी नफरत फैलाने का काम करते हैं, 24 घंटा हिंदू मुस्लिम। ये सच्चाई नहीं है भाइयों बहनों, मैं चला हूं कन्याकुमारी से यहां तक, ये सच्चाई नहीं है, ये मीडिया में चलाया जाता है, फैलाया जाता है। ये देश एक है,